हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी कि मैम आपने अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए कैसे भूख को कंट्रोल किया। हमें तो बहुत भूख लगती है, भूख मुझे भी बहुत लगती थी। भूख लगती थी तभी हम 80 किलो 90 किलो तक पहुँच गए थे। तो उसे कम करने के लिए जो क्रेविंग हमें होती है, ये जो आप सैलेड देख रहे हो, ये चाट खाइए। इस सैलेड चाट में खीरा है, प्याज है, टमाटर है, पनीर है। कई लोगों के घर में पनीर अवेलेबल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खीरा ले सकते हैं, आप लोग प्याज ले सकते हैं, टमाटर, ये हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स ट्रस्ट कीजिए, खाना खाने से पहले जब हम एक पूरी प्लेट भर के ऐसी सैलेड खा लेते हैं तो हम इतना ज़्यादा भरा भरा फील करते हैं, जो खाने की क्वांटिटी वो अपने आप ही कम हो जाती है। और चू कर कर के ही इसे खाना है, जैसे हम खाना खाते हैं। फिर फ्रेंड्स कई लोग कहेंगे कि हमें तो कमज़ोरी आ जाएगी। इससे आपको कमज़ोरी नहीं आएगी बल्कि आपको एनर्जी फील होगी। कमज़ोरी हमें कब फील होती है? जब हम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारी 70% जो एनर्जी होती है वो खाना पचाने में ही ख़त्म हो जाती है और जो बाकी होती है वो काम हम कर ही नहीं सकते। 30% पे हम क्या काम करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स जब भी खाना खाने बैठो उससे आधा घंटा पहले आप ये सैलेड चाट खाइए। सॉल्ट फ्री डे है तो फिर आप इसमें नमक नहीं डालिए। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में कभी भी, चाहे वो सॉल्ट फ्री डे हो चाहे वो नॉर्मल डे हो, कभी भी सैलेड में सॉल्ट नहीं डाला। हैव ए नाइस डे। ट्राई करो फ्रेंड्स, बहुत बेनिफिट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें वेट लॉस जर्नी में अच्छी कामयाबी की तरफ लेके जाती है। हैव ए नाइस डे। जय माता दी।